जराट श्री आदिनाथ भगवान की आप लोग थक गए क्या? आपकी आवाज में बड़ी थकान आ रही है। बोलिए भूगर्भ से प्रकटी श्री मुनि सुब्रत नाथ भगवान की। धक्का मार गाड़ी है, थोड़ा वॉल्यूम ठीक करो, वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा सा। रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दो, भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। किन पर? अरे बोलो ना, ये नहीं पता है? ओहो, आधी लाइन का पता है, आधी लाइन का पता ही नहीं है। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। तो जो दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्ग रत है, उन पर साम्य भाव रखूं मैं। किन पर रखूं? जो दुर्जन है, क्रूर है और कुमार्गगामी है, सप्त व्यसनी है, जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यागमन करना, परिस्त्री सेवन करना, चोरी करना, अक्रूर जो हिंसा करता है, ऐसे जीवों पर साम्य भाव रखो। कैसा भाव रखो? साम्य भाव रखो। समता भाव, कौन सा भाव? समता भाव, सम भाव, सम, ना ऊपर ना नीचे, ना प्रेम करना ना द्वेष करना, शांति। भगवान की मुद्रा आपने देखी, कौन सा भाव है भगवान के चेहरे पर? साम्य भाव है। आपने अभिषेक किया तो ठीक, नहीं किया कोई बात नहीं। आपने कंट्रोल के चावल चढ़ाए तो कोई बात नहीं, और आपने बासमती चढ़ाए तो कोई बात नहीं। आप पीले कपड़े पहनकर आए तो कोई बात नहीं, आप लाल कपड़े पहनकर आए, उन्हें मतलब नहीं है, वो तो सम भाव है, समता भाव है, इसे कहते समता भाव। कौन सा भाव? समता भाव। आत्मा का जो भाव है वो है समता भाव। आपने सुकौशल स्वामी की कथा सुनी है? नहीं सुनी है, चलिए मैं बताती हूँ। सेठ सिठानी महाराज के पास गए, गुरुदेव गोदी सोनी है, संतान नहीं है, आशीर्वाद दो, घर में किलकारियां गूंजे, घर के आंगन में पांव की पैजनिया की खेलने की आवाज आए। गुरु ने आशीर्वाद दिया, साथ में कुछ और बातें भी कह दी। जिस दिन पुत्र का जन्म होगा उस दिन पिता दीक्षा ले लेगा, और जिस दिन पुत्र किसी मुनिराज को देखेगा उस दिन पुत्र दीक्षा ले लेगा। माँ बड़ी संकट में पड़ गई, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा, माँ बड़ी संकट में पड़ गई, यदि बेटा आता है तो पिता जाता है, मुझे तो दोनों चाहिए, मैं दोनों के बिना कैसे रहूंगी। पिता और पुत्र दोनों साथ नहीं रह सकते, ऐसा कैसे संभव है? पुत्र नहीं था तब भी टेंशन थी कि घर में बेटा नहीं है, वंश कैसे चलेगा, गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। अब बेटा आ रहा है तब भी टेंशन, अब बेटा आ जाएगा तो पति चला जाएगा, मैं क्या करूं? लेकिन जो होना है वो होना है। गर्भवती हुई सेठानी, उसने सेठ जी को नहीं बताया, 9 महीने निकाल दिए, नहीं बताया कि
क्योंकि अभी बताऊंगी तो अभी ये दीक्षा ले लेंगे। जन्म भी हो गया, क्योंकि पहले के समय में एक व्यक्ति की कई पत्नियां होती होंगी, तो हो सकता है इसलिए, या जिस तरह भी उसने सेटिंग करी हो, पिता को पता नहीं चला कि घर में पुत्र आ गया। और बच्चे के कपड़े तब धुलवाती थी जब सब सो जाते थे, पीछे नदी थी, रात को दासी जाके धो लेती थी। एक दिन सेठ जी ने देख लिया दासी को कपड़े धोते हुए, पुला के पूछा, ये तू किसके कपड़े धोती है? अब दासी तो दासी है, लोभ और लालच इनाम का चक्कर है, मैं बताऊंगी तो पुत्र हुआ तो अभी मुझे इनाम मिलेगा। उसने कह दिया, अरे सेठ जी, आपका ही बेटा तो है, उसके कपड़े तो धो रही हूँ। सेठ जी के दिमाग में करंट लगा, अरे मेरे पुत्र हो गया और मुझे पता ही नहीं है, क्या संभव है कि परिवार वाले मेरे साथ में ऐसा व्यवहार करें? मुझे बताएं ना कि घर में पुत्र का जन्म हो गया और मुझे सूचना भी नहीं दी। वैराग आ गया, ये निमित्त क्या मिल गया? वैराग का निमित्त मिल गया। ऐसा घर जो मुझसे छुपा के रखता है, जिसके साथ, जिसके लिए मैंने जिंदगी लगा दी, सब कुछ किया, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, वैराग आ गया। अब क्या होगा? दीक्षा लेने जाना है। गया वो उस कमरे में जहाँ पुत्र था, उसका तिलक किया और निकल गया दीक्षा लेने। पत्नी ने बहुत रोका, नहीं रुके, क्योंकि जो नियोग था वो पूरा होगा। दीक्षा ले ली जा करके, अब बेटे का मुख देख करके अब वो जीने लगी, आगे बढ़ने लगी, जिंदगी आगे चल रही है। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ, युवावस्था में आया, छत पे खड़ा था, धाय माँ पास में खड़ी थी। अब बेटा यदि किसी मुनि के दर्शन कर लेगा तो दीक्षा ले लेगा। तो महल के चारों तरफ पहरेदार खड़े कर दिए, यहाँ कोई मुनि आना नहीं चाहिए। अब एक मुनिराज अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं और पहरेदार उन्हें वहाँ रोक रहा है। अब छत पे खड़ा हुआ सुकौशल देख रहा है कि क्यों भगा रहे इनको, ये तो बड़े शांत स्वभावी हैं। धाय माँ से पूछा, धाय माँ रोने लगी, आंसू बह रहे धाय माँ के, अरे माँ तुम तो बताओ इन्हें क्यों भगा रहे, ये कौन है, ये कपड़े भी नहीं पहने हैं। माँ ने तो कह दिया था ये पागल है, मत देख इसकी तरफ, चल अंदर। माँ तो चली गई अंदर देख करके, धाय माँ नहीं गई, धाय माँ खड़ी रही। सुकौशल ने फिर पूछा, माँ तुम बताओ, माँ ने तो कुछ नहीं बताया, तुम बताओ ये कौन है और इन्हें क्यों यहाँ से भगा रहे हैं। रोते रोते धाय माँ ने कहा, बेटा ये तेरे पिताजी हैं, ये तेरे पिताजी हैं, और तेरी माँ को डर है कि तू दीक्षा ना ले ले, ये साधु बन गए हैं, ये तपस्वी हैं, ये ज्ञानी हैं, ये कर्मों को नाश करने वाले हैं, और वो आज इस तरफ आए हैं तो तेरी माँ ने ये पहरेदार खड़े रखे हैं कि कोई मुनि अंदर ना आ जाए, इसलिए वो पहरेदार उन्हें भगा रहे हैं। अब बेटे को वैराग आ गया। अब क्या हुआ? अब बेटे को वैराग, अब तो मैं भी दीक्षा लूंगा। ऐसा वैराग आया, ऐसा वैराग आया, वो घर में नहीं रुका। माँ ने बहुत रोका, लेकिन नहीं रुका। दीक्षा लेके जंगल में गए और वहां ध्यान लगा के खड़े हो गए। माँ को बेटे से अत्यधिक मोह था, और मोह जब परिवर्तित होता है तो क्रोध बन जाता है। पहले तो माँ मोह करती थी, मोह का दूसरा रूप ही क्रोध है। क्रोध किस पर आता है, सच बताना है? पत्नी को किस पर सबसे ज्यादा क्रोध आता है? अरे बोलिए ना। हाँ जी, ये आप पर करती है गुस्सा? क्यों करती है, कारण बताओ। उससे नहीं पूछो, मैं बताऊंगी। ये कहानी सबके साथ में है,
इनके उत्तर सबके अलग अलग आएंगे, लेकिन सबका उत्तर एक है जो भगवान महावीर ने दे दिया है, जिस पर जितना ज्यादा मोह है उतना ज्यादा क्रोध। शादी के पहले पति पत्नी कहते कि हम तुम्हारे बिना रह नहीं सकते हैं, और शादी हो जाए तो हम तुम्हारे साथ, हाँ ज्यादा बढ़ जाए तो मामला यही हो जाता है। पहले संबंध प्रेम का था, अब संबंध द्वेष का हो गया। दोनों का रूप एक है, एक तराजू के दो पलड़े हैं। किसी और पर क्रोध नहीं आया। बच्चे से ज्यादा मोह करोगे बच्चों पर क्रोध आएगा, पड़ोसी से करोगे पड़ोसी पर, जिससे करोगे उस पर आएगा। ये नियम है, ये नियम है, क्योंकि जिस पर मोह होगा उसे बांधना चाहोगे, जिस पर मोह होगा उसे बांधना चाहोगे। और जीव में बंधन नाम का गुण है ही नहीं है, वो तो भागना चाहता है। एक छोटा सा बच्चा है, तुम गोदी में पकड़ते वो भागना चाहता है, वो पेट में 9 महीने कैसा रहा उससे ही पूछो। ये तो अज्ञान दशा थी, शुरुआत की दशा थी, इसलिए बंद के रह लिया। अभी तुमसे कहा था कि एक आसन में घंटा भर बैठ जाओ, नहीं बैठ पाओगे। तुम अपने शरीर को ही अपने वश में नहीं रख सकते तो दूसरा तुम्हें क्या अपने वश में रखेगा। लेकिन मोह कहता नहीं, तुम मेरे हो, मेरे वश में रहो, मेरे हिसाब से चलो, मेरा ये करो, मेरा वो करो, नहीं मानोगे तो लड़ाई होगी। ये कारण ये है क्रोध का, कारण कुछ और नहीं है। एक को अपना मान लिया, अब उसको बांध लो पकड़ के। मोह कहता है, कौन कहता है? मोह कहता है बांधो इसको, भागने मत दो। जब कोई लड़का ज्यादा बिगड़ जाए तो घर वाले कहते बेड़ी डाल दो पाँव में, मतलब शादी कर दो इसकी, अपने आप टाइम से आ जाएगा घर में वापस। मोह का बंधन पड़ जाएगा। कौन सा बंधन पड़ जाएगा? मोह का। इधर माँ को बेटे से अत्यधिक मोह था, बहुत आर्त ध्यान किया, बहुत रोई, बहुत बिलखी, भोजन नहीं किया और भूखी प्यासी मर गई। मतलब मोह इंसान को मृत्यु तक दे देता है। मर गई, मर कर के जंगल में व्याघ्री हुई, बाघ बनी, बाघ की पत्नी व्याघ्री, बाघ बनी। इधर सुकौशल स्वामी ध्यान में लीन है, इधर सुकौशल स्वामी ध्यान में लीन है, और वो बाघ व्याघ्री आई। अच्छा, उसे पूर्व का याद आ गया, ये मेरा बेटा था और इसने मुझे सताया, मेरी बात नहीं मानी। मैंने कितना कहा था तू रुक जा रुक जा, इसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने इसके लिए क्या नहीं किया और फिर भी इसने मेरी बात नहीं मानी। अब द्वेष पैदा हो गया, क्रोध पैदा हो गया। कितना भी सामने वाले से तुम मोह करते हो, जब क्रोध आता है तो तुम क्रूर हो जाते हो, जब क्रोध आता है तो तुम कठोर हो जाते हो, जब क्रोध आता है तो मरने और मारने तक का विचार कर लेते हो। जब क्रोध आता है तो इंसान ना आगा देखता है ना पीछा देखता है, ऐसा लगता क्या कर दूं इसके ऊपर। प्रेम आता है तो क्या कर दूं इसके लिए, और क्रोध आता है तो क्या कर दूं इसके ऊपर। तंत्र कर दूं कि मंत्र कर दूं कि छुरी चला दूं कि बंदूक मार दूं, क्या करूं इसके ऊपर। ये मोह का दूसरा रूप ही क्रोध है। ना ज्यादा मोह करो, ना ज्यादा क्रोध आएगा। जितना मोह करोगे उतना क्रोध आएगा। तो तुम भी शांति से जियो और हम भी शांति से जिए। जब दोनों के भाव ऐसे हो जाएंगे तो वो प्रेम होगा, मोह नहीं होगा, वो प्रेम होगा। प्रेम कहता ठीक है तुम भी जियो हम भी जी रहे, मोह कहता नहीं मेरे हिसाब से चल, वहां क्रोध आ जाता है। अब यहाँ व्याघ्री बन गई, यहाँ समता, यदि समता होती उस माँ के अंदर कि चलो कोई बात नहीं बेटा है, दीक्षा ले ली, कल्याण के मार्ग पर ही तो गया है, दीक्षा ही तो ली है, उसका कुछ बुरा तो नहीं हुआ है, वो अपने कर्मों का नाश करेगा, वो मोक्ष जाएगा। यदि वो समता रख लेती तो शायद वो पशु योनि में नहीं जाती। लेकिन ममता थी, ममता ने समता को खा लिया। बोलिए ना, ममता ने समता को खा लिया। आप ये मत कहना कि हमारी एक लड़की का नाम ममता है और दूसरी का नाम समता है,
तो नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भावों की बात कर रही हूँ। जितना ज्यादा मोह होता है उतनी समता चली जाती है, और जितना मोह कम होता है समता प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर ममता ने समता को खाया, किसने? व्याघ्री ने, जो पशु योनि में माँ चली गई थी। मुनिराज खड़े हैं, ध्यान में लीन है, और वो व्याघ्री उनके पांव से उन्हें खाना शुरू कर देती है। तूने मुझे दुख दिया था ना, ले अब मैं तुझे दुख दे रही हूँ। वो खाना शुरू कर देती है, लेकिन वो ध्यान में लीन है, वो आत्मा के ध्यान में लीन है, उन वो नहीं डिगे। माँ की ममता और मुनिराज की समता दोनों उच्च स्तर पर थी। ममता इतनी उच्च स्तर पर कि बेटा को खा लिया, और समता इतनी उच्च स्तर पर है कि ध्यान से डिगे नहीं, तुम्हें एक मच्छर भी काटे माला फेरते हुए तो क्या होता है, समता रहती है? अरे बोलिए ना, थोड़ा सा वेश बढ़ा देना वेश। हाँ, यदि मान लो तुम एक माला फेरने बैठे हो और एक मच्छर आ जाए तो तुम्हारी समता रहती है? नहीं रहती है। तो कैसी माला फेरते हो तुम? एक माला भी समता में नहीं फिर पाती है। आप विचार करो, हमारे पास समता नाम की चीज है ही नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। यदि हमारे पास में समता नाम की चीज आ जाए तो हमारा दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। समता का मतलब है ना राग करो, ना द्वेष करो, ना जुड़ो ना हटो। जुड़ोगे तो टूटना पड़ेगा, जब जुड़ोगे नहीं तो टूटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हर आदमी एक दूसरे से जल्दी जुड़ने का प्रयास करता है, कोई मिला सारा परिचय पूछ लिया उसका, अच्छा इतने बच्चे हैं, ये करते हो, ऐसा करते हो, अच्छा तो ठीक है ऐसा करना। कोई बस में भी मिल जाए, कोई ट्रेन में भी मिल जाए, एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हो, बातें करना शुरू कर देते हो, शादी में बुलाने लगते, एक मिनट में जुड़ जाते हो, एक मिनट में मोह और प्रेम का संबंध बना लेते हो। समता है ही नहीं है। अरे समता रखो, ठीक है वो है जो है। मैं ये नहीं कह रही कि किसी का भला मत करो, भलाई करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मन में समता रखो, एकदम से राग और द्वेष में ना पड़ो। जल्दी से तारीफ करोगे, जल्दी से बुराई करोगे, नेचर में ऐसा है कि नहीं है? तारीफ करोगे राग कर लिया, जरा सा कुछ बोल दिया तो गुस्सा आ गया, द्वेष कर लिया, चाहे पड़ोसन हो चाहे मोहल्ले वाली हो, कोई और ना मिले तो नेताओं की बुराई शुरू हो जाती है। हाँ बेचारे वो तुम्हें आके कोई तुम्हें ऊपर क्लेम तो करेंगे नहीं, तुम पर कोई दावा तो करेंगे नहीं कि तुमने मेरी बुराई क्यों करी, ऐसे ही है ना? कुछ ना मिले तो नेताओं की बुराई शुरू कर देते हो, नेताओं का बुरा भला कहना शुरू कर देते हो, या तो राग करते हो और या द्वेष करते, बीच में नहीं रहते। घर में यदि चार जने हैं, अब चार जन में सबकी जन्मपत्री अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग हैं, सबके भाग अलग अलग हैं, लेकिन नहीं जैसा मैं कह रहा वैसे ही कर, तो अपने भाग्य से तुम उसका भाग्य कैसे जोड़ना चाहते हो? तुम्हें मीठा अच्छा लगता है, उसको नहीं लगता, अब उसको तो मीठा अच्छा, अरे क्या मीठा खाती दिन भर, कितना बुरा लगता है मीठा, अरे उसको अच्छा लग रहा है तो खाने दो, तुम क्यों टोंक रहे उसको? या खा रहे हो तो राग कर रहे हो, नहीं खा रहे हो तो द्वेष कर रहे हो। भाई ठीक है मिल गया खाने को, खा लो, राग मत करो। सामने वाला खा रहा है, द्वेष मत करो। मतलब आप ये देखो कि छोटी छोटी बातों में हम सुबह से रात तक सपने में भी राग और द्वेष में ही फंसे रहते हैं, एक क्षण के लिए भी राग और द्वेष से बाहर नहीं निकलते। किसी ने कोई कपड़े पहने, ए कितने बुरे लग रहे तेरे कपड़े, एक सेकंड में उसकी बुराई निकाल दी, बाई चांस तुम्हें अच्छे लगे, आज तो तेरे कपड़े बहुत बढ़िया लग रहे, देख के खुश हो गया मन। या तो राग करोगे और या द्वेष करोगे। अरे सामने वाला का ठीक है, उसको जो अच्छा लग रहा है कर रहा है, तुम व्यर्थ में राग द्वेष करके पाप का उपार्जन यूं ही कर लेते हो।
अब मान लो शादी में गए, शादी में गए तो वहाँ राग द्वेष होता है कि नहीं होता? सच बताना, शादी किसी और की है, करवाने वाले उनके माता पिता हैं, तैयारी उन्होंने करी है, वहाँ जाने वाले लोग कितना राग करते हैं और कितना द्वेष करते हैं। हाँ, क्या पंडाल है, अच्छा पैसा खर्च किया है। हाँ, अच्छा पैसा, हाँ बहुत है ना, फालतू का पड़ा कहाँ लगाएगा, यहीं तो लगाएगा। राग भी कर लिया, द्वेष भी कर लिया। यदि उसने 10 स्टॉल लगाई हैं, क्या खाना, आनंद आ गया। हाँ, लुटा रहा है, दान तो देता नहीं है, लुटा रहा है। राग भी कर लिया, द्वेष भी कर लिया। बाई चांस उसने अच्छा पंडाल नहीं बनाया, थोड़ा सस्ता बना लिया। बाई चांस उसने ज़्यादा स्टॉल खाने की नहीं लगाई, कंजूस है कंजूस, इतना पैसा है कहाँ ले जाएगा, मरेगा तो कहाँ साथ में ले जाएगा क्या? अरे शादी में नहीं खर्च करेगा तो कहाँ खर्च करेगा? तुम उसे कहीं भी छोड़ने वाले, कूट कूट के रोम रोम में राग द्वेष भरा पड़ा है। कहीं चले जाओ, राग और द्वेष के सिवा तो कुछ होता ही नहीं है। और दुनिया में यदि पाप का कारण है तो राग और द्वेष ही है। सारे कर्मों का यदि सार निकाला जाए तो राग और द्वेष ही है। खाने में, पहनने में, उठने में, बैठने में, मकान में, दुकान में, बालों में, चश्मा में, घड़ी में, साड़ी में, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें राग और द्वेष नहीं करते हो? और जहां राग और द्वेष नहीं होता है उसको कहते हैं समता। उसे क्या कहते हैं? समता। चलो तुम इन छोटी छोटी बातों में नहीं छोड़ पा रहे हो, बड़ी बड़ी बातों में तो छोड़ो। दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर, जो संसार के बुरे लोग हैं उनकी निंदा करते हो बैठ के, मत करो, इतना तो त्याग कर दो। अरे बोलिए ना, इतना सा काम कर सकते हो कि संसार में जो बुरे लोग हैं उनकी निंदा नहीं करेंगे। दान थोड़ी कह रही कि दान दो, दान देने में तो फिर भी निकाल के देने में थोड़ा कष्ट होता ही, तो बड़ी छोटी सी बात है। अरे बोलिए ना, हाथ उठाइए, कौन कौन त्याग कर सकता है? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर, जो ऐसे लोग हैं संसार में बुरे लोग हैं उनकी निंदा नहीं करेंगे। उठाइए हाथ, बुरे लोगों की निंदा नहीं करेंगे, यही तो कह रही मैं, और क्या कह रही हूँ? उठाइए, देखूं कौन कौन छोड़ सकता है। समाज में भी हो सकते हैं, गांव में भी हो सकते हैं, और देश में भी हो सकते हैं, विदेश में भी हो सकते हैं। सोच लो, आदत इतनी पड़ी है, इतनी पड़ी है, निंदा करने की इतनी आदत पड़ी है कि जिस समय निंदा करोगे उस समय मुझे भूल जाओगे आप, और मुझे भूले तो नियम भूल गए। तो एक काम करना, अपने घर में एक पर्ची बना के टांग देना, ठीक है, आपके ड्राइंग रूम में लगा लेना कि बुरे लोगों की निंदा नहीं करनी है। इसका मतलब अच्छे लोग ही कर सकते हैं। अरे बोलिए ना, इसका मतलब अच्छे लोग ही कर सकते हैं क्या? मैंने तो कहा बुरे लोगों की निंदा नहीं करना, मैंने भी कहां से कहा? दुर्जन क्रूर कुमार के रत्नों पर, मैंने यहां से कहा। तो इसका मतलब अच्छे लोगों की निंदा कर सकते हैं क्या? जब तुम बुरे की निंदा नहीं करोगे तो अच्छे की क्यों करोगे? जो बुरा है जब तुमने उसकी निंदा नहीं करी तो अच्छे की निंदा तो तुमसे हो ही नहीं सकती है। तो चलो एक काम कर लो कि अपने घर में एक पट्टी लगा लेना कि बुरे लोगों की निंदा नहीं करनी है। लगा सकते हो? कौन कौन लगा लेगा, हाथ उठाइए। आपको हिंदी नहीं आती है? आती है? पढ़ना लिखना नहीं आता है? आता है? अच्छा, तो फिर आपने हाथ क्यों नहीं उठाया? अच्छा, मेरी बात समझ में नहीं आई? आई है तो नियम नहीं लेना, आपको लेना है नियम। उठाइए हाथ, कौन कौन लेगा, जो टीवी में देख रहे हैं वो भी उठा ले। नियम थोड़ा सा कठिन है क्योंकि ये मन बहुत चंचल है और इसमें निंदा बुराई की इतनी आदत पड़ी है कि बस पूछो मत कितनी आदत पड़ी है इसमें। तो आज आपने बहुत अच्छा काम किया कि बुरे लोगों की निंदा करना छोड़ दे। किनकी?
अब आप कहोगे आपने एक छूट तो दे दी पीछे से, अच्छे लोगों की तो कर ही सकते हैं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। अभी जो प्रकरण चल रहा है, अभी जो लाइन चल रही है, वो ये चल रही है कि दुर्जन क्रूर कुमार के रथों पर ना राग करो ना द्वेष करो, उनसे राग भी नहीं करना और उनकी निंदा भी नहीं करना। इससे क्या होगा, जब राग करते हैं तो भी पाप कर्म आता है, जब द्वेष करते हैं तो भी पाप कर्म आता है, और पाप कर्म का फल क्या होता है, अरे बोलिए ना, सुख। पाप का फल सुख नहीं तो आपको पता है? ओहो, फिर तो आप बड़े ज्ञानी हैं, और फिर तो मुझे प्रवचन करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ सबको पता है कि पाप कर्म का फल दुख होता है, सबको पता है, फिर तो करते नहीं होंगे। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, फिर तो आप अपने आप को उपदेश सुना लो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद ही ज्ञानी है। मैं तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। देने में दाद का, खेत में खाद का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बर्फ के गलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का, रेल में पात का, पेट में आत का, और तीर्थंकरों में शांतिनाथ का, निधियों में माणवक का, विद्वानों में चाणक का, और आज भगवान शांतिनाथ के तीन तीन कल्याणक का, बच्चों को बढ़ाने का, बच्चों को बढ़ाने का, सुबह सुबह नहाने का, और आज भगवान के चरणों में लड्डू चढ़ाने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ कहाँ से आए हैं, थोड़ा सा बढ़ाना, वेश बढ़ा दो। डीमापुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में डीमापुर का। जयपुर, अच्छा, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में जयपुर का। आप देखो क्या आवाज निकली, अभी मैंने कहा था नियम ले लो, तब तो हिले भी नहीं थे, तब तो ऐसा हो गया कोई मूर्ति सी बैठी हो, नियम मूर्ति को तो दे ही नहीं सकते हैं। हाँ देखो क्या जोर जोर से हिल रहे हैं, ये राग, ये कौन बोल रहा है, ये इंसान को कौन हिला रहा है, शहर का राग, किसका राग, शहर का राग। हाँ बताइए, सागर, वृक्षों में आकर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। दिल्ली, तरियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का। दोसा, अच्छा, सुधरने में दशा का, सुधरने में दशा का, सोने के लिए निशा का, और आने वालों में दोसा का। कोटा, अच्छा, महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का, और आने वालों में कोटा का। विजयनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में विजयनगर का। अजमेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, और आने वालों में अजमेर का। रैणी, अच्छा, हीरे की कणी का, अंगूठी में मणि का, और आने वालों में अलवर जिला रैणी का। हो गए सारे। भोपाल, अच्छा, होने में निहाल का, सिर पर काले बाल का, और आने वालों में भोपाल का। हैदराबाद, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। बस, पश्चिम बंगाल से आए हैं, अच्छा अच्छा, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में पश्चिम बंगाल जंगीपुर का, काशीपुर का। सब पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ, जयपुर, काशीपुर, डीमापुर, नरसिंहपुरा, काशीपुरा,
रंगों में हरा का, भोजन में बरा का और आने वालों में काशीपुरा का। ठीक है, बोलिए 24वां भगवान की।